नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के एक बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी कहे जाने वाले राघव चड्ढा गायब हो गए। आखिर राघव चड्ढा गए कहां? बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर इतना सियासी बवाल मचा हुआ है, जल बोर्ड को लेकर, पानी को लेकर इतना बवाल है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। ऐसे में राघव चड्ढा गायब हो जाए अचानक, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। दरअसल राजनीतिक गलियारों से छन के जो खबर आ रही है, वो खबर ये है कि राघव चड्ढा बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी को छोड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी को छोड़कर आप राघव चड्ढा जाएंगे कहां? तो राघव चड्ढा के लिए बैटिंग की जा रही है कि राघव चड्ढा किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, यानी कि राघव चड्ढा को भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डालकर धोने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बहुत जल्दी राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को ठुकरा कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और ये तैयारी हालांकि चुनावों से पहले से ही हो रही थी, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी को वो एकदम से इसलिए नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कुछ काम करने वो गए थे। वापस लौटे तो उन्होंने अपनी तैयारी की बात को छिपाने के लिए अपने आप को भी छिपाने की कोशिश की। छिपा तो उन्होंने रखा था, लेकिन अचानक स्वाति मालीवाल कांड हो गया 13 तारीख को, और उसमें जब हम सब स्वाति मालीवाल कांड को जब कवर करने पहुंचे तो वहां हमारे कैमरों में राघव चड्ढा फंस गए। इसलिए भंडाफोड़ हो गया कि राघव चड्ढा तो दिल्ली में और केजरीवाल के घर में थे वो, तो आखिर राघव चड्ढा इतने गुपचुप तरीके से केजरीवाल के घर में कैसे पहुंच गए? एयरपोर्ट पे पता नहीं चला, कहीं भी नहीं चला, तो राघव चड्ढा इतनी आसानी से कैसे आ गए वहां पर? ये बड़ा सवाल है, अभी तक इसका जवाब मिला नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि राघव चड्ढा, जो कि जल बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और जल बोर्ड घोटाले में उनका नाम है, ऐसे में राघव चड्ढा आखिर जल का जब संकट आया तो राघव चड्ढा कहां चले गए? ये बड़ी बातें, बड़ी सोच लोग आज चर्चा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि राघव चड्ढा कहां गए भाई। तो राघव चड्ढा जो आंख के इलाज के बहाने गए थे, और जब गए थे तो काफी चिकने चुपड़े थे राघव चड्ढा, और जब लौटे तो शायद उनका 20-30 किलो वजन बढ़ गया और दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के ऐसे भेष में राघव चड्ढा देश के अंदर मास्क लगा के दिखाई दिए। अब खबर यह है कि राघव चड्ढा बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी को ठुकरा कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के अंदर जो घटित हो रहा है उससे भी बेहद दुखी है। दिल्ली के अंदर पार्टी का सूपड़ा साफ हो चुका है। लोकसभा चुनावों के अंदर अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने लोगों के आगे रो रो के वोट मांगे, जनता को गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के कहा मेरे पति को बचा लीजिए, ये आपका बेटा बच जाएगा, आपका भाई बच जाएगा, आप प्लीज झाड़ू को वोट दीजिए। केजरीवाल अलग से कहते घूम रहे थे मुझे बचा लीजिए और जेल के बदले वोट दे दीजिए, मैं बच जाऊंगा, आपका बेटा बच जाएगा। लेकिन जनता को रहम नहीं आया क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा, और अब दिल्ली की जनता को यह बात समझ आ चुकी है कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से 133 करोड़ रुपए ले लेता है, ये आतंकवादियों को छुड़वाता है, खालिस्तानियों को छुड़वाने के लिए पैसे लेता है, खालिस्तानियों से पैसे लेता है खालिस्तानियों को छुड़वाने के लिए जेलों में। और ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अपने किसी वादे पर खरा नहीं उतरा। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने दिल्ली के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं किया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अपने अदालतों में वकील खड़ा करने के लिए दिल्ली के खजाने के करोड़ों लुटा रहा है। जो दो कमरे मांगा करता था वो शीश महल में रह रहा है 171 करोड़ रुपए के। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो लग्जरी गाड़ियों में करोड़ों की में चलता है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अपनी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाकर चलता है।
तो अब इस अरविंद केजरीवाल की पोल खुल चुकी है, इसलिए अब जनता इसको माफ नहीं करेगी। यही सारी चीजें भाप कर राघव चड्ढा आनन फानन में बीजेपी का होने जा रहे हैं। खबर यह है कि बहुत जल्दी राघव चड्ढा के गले में भगवा मफलर होगा और राघव चड्ढा किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए आतुर है। इसीलिए आजकल जब आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक इतना बड़ा राजनीतिक संकट आया हुआ है, पार्टी धीरे धीरे करके टूटती जा रही है, तो राघव चड्ढा अपने पूरे पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से गायब है। कहीं पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, धरातल से एकदम गायब हो चुके हैं राघव चड्ढा। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राघव चड्ढा बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और राघव चड्ढा लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। खास तौर पे पंजाब के अंदर राघव चड्ढा की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वो पींगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि जल्दी ही आम आदमी पार्टी का एक सबसे बड़ा विकेट गिरने वाला है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे चैनल के बारे में कोई राय रखना चाहते हैं, हमारे बारे में कोई राय रखना चाहते हैं, तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर 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 लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।